ये हाथ काटते बोल रहे हैं? हाँ, ये काटते बोल रहे हैं, ये दो उंगलियां काटते बोल रहे हैं। दोनों उंगलियां काट देते बोल रहे हैं? ये हाथ 100% काट देना बोल रहे हैं। ये ऐसा हुआ क्यों, ये हाथ में इंफेक्शन हो गया? जदुल्ला खान, एक्चुअली आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट पेशेंट। करीब चल, चल। नहीं, अब ये लोग क्या बोले तो हमारे वो है, दोनों पैसे जी, दोनों पैसे अपाइच है आपके? हाँ, वे बच्चे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिलहाल जो हूँ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में हूँ, और मेरे साथ जो है हमारे मोहम्मद खलील साहब हैं और सलमा बेगम। ये लोग जो है वट्टेपल्ली नाइस होटल के रहने वाले हैं। इनकी एक लूती एक बेटी है जिसकी उम्र 19 साल है। इसको जो है 20 नवंबर 2002 को उस्मानिया हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कराए। एक्चुअली ये लड़की को जो है ब्रेन ट्यूमर है, कुछ दिमाग में पानी आ गया था, ट्यूमर फॉर्म हो रहा था। इसको जो है 23 तारीख के दिन स्टंट डाले, ये दिमाग में अंदर स्टंट डाले। डालने के बाद में कुछ आईवी लगाए, वो आईवी लगाने की तरफ से दोनों हाथ सड़ गए। वो पता नहीं क्या वो दवाओं का रिएक्शन हुआ या कोई डॉक्टर्स की लापरवाही हुई, क्या हुआ ये नहीं मालूम। अब फिलहाल जो है इनकी लड़की का एक हाथ काट दे रहे हैं, और एक हाथ के तीन उंगलियाँ काट देना पड़ता, दोनों हाथ सड़ गए। अभी मैं देखा जाके, डॉक्टरों से भी तफसील बात किया, तो ये बेचारे बहुत गरीब है। उस्मानिया में इलाज होने के बावजूद तमाम टेस्ट वगैरह बाहर से चल रही, एक महीने से मुसलसल बेचारे हॉस्पिटल में हैं। इनका गूगल पे नंबर है 9505195593, इनका नंबर है। जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, मदद करिए। एक लूती एक बेटी है, एक हाथ तो कंपलसरी काटना पड़ता ही बोल रहे हैं डॉक्टर्स। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इनकी शीट लिख जाके बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो डेली 50,000 रुपये, 4-5 लाख रुपये खर्चा होता बोल रही, तो उतना हम कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ उस्मानिया में बेस्ट इलाज दिलाने की कोशिश कर रही, और मैं कल आके फिर सुपरिटेंडेंट से भी बात करूँगा। ये एक्चुअल हुआ क्या, आप ज़रा बोलिए तफसील बात करो। बोलो, आपका नाम बोलो पहले। मेरा नाम मोहम्मद खलील है। हाँ, 20 तारीख क्या हुआ, मैंने को यहाँ पे एडमिट कराए, ब्रेन ट्यूमर है बोल के। फिर उसके बाद स्टेंट डाले सर में, उसके इलाज चल रहा था, वो इलाज के सिलसिले में यहाँ पे सोया होया लगाए, लगा के पूरा हाथ इन्फेक्शन कर दिए, ख़राब कर दिए सीधा हाथ उसके। फिर दायां के दो उंगलियाँ भी ख़राब हो गए, एकदम हाथ पूरा सड़ गया, ये हाथ काटना पड़ा बोल के बोल रहे भाई। बोलो बोलो बोलो। मैं ये सब सुन के अमजदुल्ला खान साहब, खालिद साहब कन गया, साहब आए देखे, साहब मेरी मदद कर रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। जरा अहले खैर आपको, और पैसों की क्या मदद होना, अहले खैर हजरात, मेरी बच्ची को ताउन कीजिए, और साहब से भी गुजारिश है कि मेरी अच्छी मदद करिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए। मेरा नाम सलमा बेगम है, मेरे को एक लूती एक बेटी, दो बेटे हैं। मैं वट्टापल्ली ऐसा डरगने रहती हूँ भाई। मेरी बच्ची को ग्लूकोज सर में दर्द हो रहा बोल के लेके आए हम लोग, लेके आए तो पाइपन डाले, दो डाले बाद हाथ को ग्लूकोज ये ले गया है, लगाए बाद सूजन आ गई, हाथ काट देते बोल रहे, एक मेरी बच्ची का दो उंगलियां काट देते बोल रहे, पूरा काट देते बोल रहे, एक हाथ के दो उंगलियां काटते बोल रहे, एक हाथ पूरा काट देते बोल रहे। हम लोग कैसा नई जिंदगी हो जा रही बच्ची की, हम नहीं देख सक रहे, मजबूर है हम लोग। साहब हमारी मदद कर रहे, हर जो भी है हमारी मदद करना चाह रहे तो कर सकते हमारी मदद, बहुत गरीब है हम लोग, नहीं देख सकते ये बच्ची का हाथ कटे तो कैसा रहना, समझ में नहीं आ रहा बच्ची के दिल पे को क्या भी थींगा। देखिए, माँ बाप जो है अपनी औलाद को इतना बड़ा करते, पालते पोसते,
और एक 19 साल की लड़की के साथ ऐसा हो रहा। एक लूती एक बेटी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक हाथ तो पूरा ड्राई गैंग्रिया हो गया, वो बचने का सवाल ही नहीं है। वो हाथ को तो कैसा भी काटते काटते, और दूसरे हाथ को 3 उंगलियां काट रही। इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे। मैं इनका गूगल पे नंबर फिर से बोल रहा हूँ, 9505195593 इनका नंबर है। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बात।